क्या वो जो इलाहाबाद का साहित्यिक गुण है कह लें, वो भी आपके अंदर थोड़ा बहुत था, इसलिए गजल के साहित्य को समझने में आसानी हुई? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ कि जो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर के जो एरिया में लोग रहते हैं, उनका उच्चारण साफ रहता है, और यही शायद वजह है कि मुझे गजल गाने में उतनी तकलीफ नहीं हुई, कोई मुझे प्रोनाउंसिएशन और समझने में भी और बोलने में भी। हालांकि उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि उसमें जो नुक्ते लगते हैं, वो अगर आप करेक्ट जगह पे नहीं लगाएं तो वो शब्द का मतलब बदल जाता है। तो उसके लिए मैंने खास तौर से रेख्ता उर्दू लर्निंग जो है, वहां पे मैंने एक बेसिक और फिर एक नेक्स्ट एडवांस्ड उर्दू मैंने वहां पे प्रोग्राम किया था, जिसमें मैंने सीखा था उर्दू की लिखना और बोलना। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और शांति जी तो बताती थी, करेक्ट करती ही थी कि जहाँ पे पॉज लगना चाहिए वहाँ पे अगर नहीं लगाओगे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, और किस तरह से आपको एक एक लफ्ज को कहना है, एक मिसरे को किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, वो खुलता है मिसरा, तो वो ऑडियंस के लिए आपको किस तरह से पेश आना चाहिए। एक अदायगी गजल की एकदम अलग है, ठुमरी की एक अदायगी अलग है, क्लासिकल की अलग है, भजन की तरफ जाएं तो उसकी एक अलग तरह से उसको गाते बजाते हैं, लेकिन गजल में एकदम एक अलग ही एक दुनिया है, जहाँ पे कि अगर आपका जरा सा भी हेर फेर हो गया नुक्ते का तो आपकी गजल बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। तो वो सारी चीजें शांति जी से सीखने को मिली, और एक जो बेगम अख्तर के दौर की बातें जो बताती थी, उससे भी गजल की गायकी में मुझे लगता है कि मुझे बहुत फायदा हुआ। एक चीज और लगी हाथ जानना चाहेंगे हम रश्मि जी, चूंकि बहुत अगर आप देखें तो गजल असल में जो सेमी क्लासिकल जॉनर है उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वो है, गजल बहुत लोग गाते हैं। और गजल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप जानती होंगी हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे देशों में सुनी जाती है, अप्रिशिएट की जाती है। बिल्कुल आप बिल्कुल एज अ आर्टिस्ट गजल का जो कंटेंट है, यानी जो शायर है उसका जो कलाम है, उसका जो शेर है, उसको चुनने से पहले किन चीजों को आप ध्यान में रखती हैं? क्या आप ये सोचती हैं कि भाई ये कंपोज किया जा सकता है, ये मीटर ऐसा है कि बहुत अच्छे से कंपोज हो जाएगा, मतलब बहर ऐसी है गजल की, या आप देखती हैं कि नहीं यार ये चाहे बहुत टेढ़ी बहर हो, कंपोज गलत करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन इसके कंटेंट इतना अच्छा है, शेर इतने अच्छे हैं कि करना ही करना है? आप किन बातों का ध्यान रखती हैं एक कलाकार के तौर पर? ये दोनों ही बातें जरूरी हैं। एक तो मीटर बहुत जरूरी है, उसको तो होना ही चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मीटर गड़बड़ भी होता है। कोई नया शायर है, वो थोड़ा सा मीटर से इधर उधर करता है, लेकिन जो बात कही है वो अच्छी है, तो उसको किस तरह से हम अपने संगीत द्वारा उसको मीटर में किस तरह से लाना है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्योरिस्ट हैं वो इस बात को जरूर नकारेंगे कि ये जिसका मीटर ही नहीं सही है तो वो गजल कहाँ हुई। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल गजल का दौर फिर से आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, तो जो नए कलाकार हैं, जो नए शायर हैं, उनको भी ये बात, खैर मीटर मीटर में तो रहना जरूरी ही है, वही गजल की एक उसका रदीफ है, उसका जो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलना ही चाहिए। लेकिन बहुत अभी मैंने नए नए शायर देखे जो मीटर से थोड़ा हटके भी करते हैं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है उनकी गजल का, तो वो अगर इंटरेस्टिंग है तो उसको अटेम्प्ट करने में मुझे पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतनी गजल की पर चर्चा हो रही है तो ये गजल तो हम आपसे सुनाने की गुजारिश करेंगे ही। जी बिल्कुल, मैं आपको बेगम अख्तर की गाई हुई उनकी पहली रिकॉर्डेड गजल जो बेहजाद लखनवी का कलाम है, और उसके बोल इस तरह से हैं, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वो सुनाती हूँ।
दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो। साना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शमा कहाँ है, मैं ढूंढ रहा शमा कहाँ है। जो बज्म की हर चीज को, जो बज्म की हर चीज को परवाना बना दे, जो बज्म की हर चीज को परवाना बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। क्या बात है रश्मि जी, इस गजल ने तो जसराज जी को भी अपना दीवाना बना दिया था। जसराज जी कहते हैं कि वो जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में मुझे बताया था कि वो इसको मतलब बार बार सुनने की आदत थी उनकी, और किस कदर वो इस गजल को सुनकर मतलब फैन हो गए थे। और दूसरा मुझे लगता है कि ये भी बताता हूँ कि रागगिरी जो हमारी संस्था है वो हर साल कलाकारों पर इंटरव्यू कैलेंडर छापती है, तो पीछे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा या हमारे सब्सक्राइबर्स को दिखाई दे रहा होगा। जी, मैं बहुत देर से देख रही थी वो। इस साल का कैलेंडर हमने महिला कलाकारों पर किया था, और देखिए सितंबर के महीने में ये संयोग देखिए कि आपसे बात भी हो रही है और बेगम अख्तर साहब की तस्वीर भी है जो मुझे भी दिखाई दी। खैर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बहुत देर से देख रही थी जब से आप को मैंने ये फ्रेम में मैं देख रही थी कि बेगम अख्तर जैसी कुछ लगा हुआ है। असल में रश्मि जी, हम लोगों ने शुरू किया जब संस्था तो ये सोचा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में हम जब कहते हैं कि सितार वादकों का नाम आए तो हमारे देश का जो आम आदमी है तो वो पंडित रविशंकर जी को तो जानता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे महान कलाकार हैं जिनके नाम तक नहीं जानते हम लोग। आप तबले की बात करेंगे तो लोग उस्ताद अल्लाह खान साहब से शुरू करेंगे और फिर शायद जाकिर भाई पर आकर रुक जाएंगे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी सीरीज शुरू करें जिसके तहत हम कहें कि हमको अपने देश के बड़े कलाकारों के नाम कम से कम पता होने चाहिए। हमें संगीत सीखना है नहीं सीखना है, हमारी संगीत में दिलचस्पी है नहीं है, लेकिन जैसे हम अपने मैथ साइंस में तमाम चीजें ऐसी पढ़ते हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती है लेकिन हम पढ़ते हैं, तो वैसे ही क्यों ना हम अपने कलाकारों के नाम सबको याद कराएं। तो ये 6-7 साल से ये सीरीज हम लोग कैलेंडर की कर रहे हैं और इसको स्कूलों में बांटते हैं, NCR के स्कूलों में बांटते हैं, यूपी के बाहर भी भेजते हैं स्कूलों में, और कोशिश यही होती है कि हर एक कलाकार के बारे में। जैसे ये तो इस बार तो हमने फीमेल कलाकारों पे किया था, इससे पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स पे कर चुके हैं, उससे पहले हमने घरानों पर किया है, तो ये कोशिश है। बाकी तो सब आप जैसे कलाकार जो है उनका स्नेह है कि हम लोग कुछ कुछ सार्थक ऐसा लगता है कर रहे हैं संगीत के लिए। एक चीज और जानना चाहेंगे हम आपसे, जब जब हमने गजल की बात कर ली, आप
एक एक आपने बीच में एक शब्द यूज किया प्योरिस्ट, हम प्योरिस्ट का मतलब मोटे तौर पे यही हो गया कि हम कामानी में गए और एक बहुत कोई बुजुर्ग से कलाकार आए और उन्होंने कहा कि ये फला साज मैं 50 साल से या 60 साल से बजा रहा हूं लेकिन अभी तक बजाना सीख नहीं पाया हूं, जो थोड़ा बहुत सीखा है वो आपको सुनाता हूं। अब मुझे ये लगता है या मैं आप जैसे कलाकारों से ये जानना और समझना चाहता हूं कि मान लीजिए मैं अपने एक बच्चे को लेके गया जो 10 साल का है और मैं चाहता हूं कि वो इस तरह के कार्यक्रमों में जाए, उसको अटेंड करे, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े संगीत को लेके, क्या ये कहना एक कलाकार की मॉडेस्टी तो हो सकती है लेकिन ये कहकर कि हम 50-60 साल से इसको बजा रहे हैं और अभी तक सीख नहीं पाए हैं, आपको जो थोड़ा बहुत सीखा है वो 10 साल का बच्चा तो भाग जाएगा, उसको लगेगा कि यार ये अगर 50-60 साल में नहीं सीख पाए तो मैं कहां से सीखूंगा, तो मैं कैसे सीखूंगा। जी जी जी, तो आपको लगता है कि ये जो प्योरिस्ट शब्द हम इस्तेमाल करते हैं शास्त्रीय संगीत में या संगीत में, उसकी वजह से हम एक बहुत बड़ी अड़चन भी खड़ी कर दे रहे हैं नई जनरेशन को जोड़ने से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही बात मैं आपसे कह रही थी कि देखिए गजल हो या शास्त्रीय संगीत हो, उसको हमें यंगस्टर्स के करीब लाने के लिए कुछ एक कड़ी, कुछ ब्रिज बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वही जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चा भाग जाएगा कि इनको तो इतने साल लगे मैं कैसे करूंगा, मुझे भी इतने साल लगेंगे तो मैं इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूं। तो वही बात है कि जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है उसको आप इस तरह से शास्त्रीय संगीत को सर्व कीजिए, गजल को इस तरह से दीजिए उनको कि उनको वो अट्रैक्ट करे और वो उसकी तरफ खींच के आए कि हमको भी ये आ सकता है, ये उतना मुश्किल नहीं है काम। तो वही चीज मैं कह रही थी कि जो गजल लिखते भी हैं, गजल गाते भी हैं, उनको ठीक है प्योरिस्ट होना एक अलग चीज है कि हाँ काफिया, रदीफ, मीटर, उसका बहर, उसका शेर एकदम परफेक्ट होना चाहिए लिखने में भी और गाने में भी। लेकिन हाँ अब बहुत सारे शायर जो नए हैं वो आ रहे हैं, जो नए गजल सिंगर्स आ रहे हैं, अगर हम उन्हें नहीं प्रोत्साहन देंगे, उन्हें नहीं इनकरेजमेंट देंगे तो गजल की भी वही बात हो जाएगी कि इट इज टू फार अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। तो हमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ जरूरी है कि उसको थोड़ा उनके पसंद का भी बनाए तो ही हाथ जुड़े, हाथ मिलाने का काम होगा, ये जरूरी है। अच्छा अश्विनी, मैं जैसा मैं शुरू में बता रहा था मैं खेल पत्रकार हूँ, तो मैंने फॉर्मूला रेसिंग में तो ग्रां प्री सुना है, बैडमिंटन में भी सुना है, आपने यूं तो तमाम आपको अवार्ड्स मिले हैं लेकिन आपके अवार्ड्स में खास अवार्ड है जो आपको मेरे ख्याल से उज्बेकिस्तान में मिला था और वो उसके साथ ग्रां प्री शब्द जुड़ा हुआ है, तो मेरी क्यूरियोसिटी ये हुई जानने की कि जरा उस अवार्ड के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को। ये तो आपने बहुत ही वैसी चीज छेड़ दी कि मेरी बहुत ही सुनहरी यादें हैं उससे जुड़ी हुई। ये ICCR ने भेजा था हमें उज्बेकिस्तान और वहाँ पे करीब 59 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी और वहाँ जाने से पहले बहुत मुझे इसके बारे में डिटेल्ड पता नहीं था, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कंपटीशन है। ICCR तो जो कॉन्सर्ट्स के लिए भेजते हैं मुझे लगा कि वही है और लास्ट मिनट में मुझे पता लगा कि ये कॉम्पिटिशन भी है। तो और कॉम्पिटिशन के जो कुछ रूल्स होते हैं तो उनको फॉलो करना होता है कि इतने टाइम में आपको ये पेश करना है, इतने टाइम में ये पेश करना है। तो खैर वहां जब गए थे तो उस समय तक मुझे ये पता था कि भाई अवार्ड जो मिलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सोलेशन वगैरह जो भी होता है, ग्रां प्री का मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था और एंड तक नहीं पता था। जब मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, कॉम्पिटिशन वॉज एक तो मेन कंपटीशन था, बाकी जो और प्रोग्राम्स थे, जो कॉन्सर्ट्स थे उनको भी उसमें रख के और फाइनल उन्होंने वो किया था कि आपका प्रेजेंटेशन और भी जो प्रोग्राम्स आप कर रही हैं, जो स्टेज शोज कर रही हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए और कंपटीशन को भी। तो जब फाइनली जब कंपटीशन वाला हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने अच्छा तो गाया है, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। फिर जब रिजल्ट्स जिस दिन डिक्लेयर होने थे
उस दिन हम लोग सब तैयार होके, हमसे ये कहा गया कि आप अपना साज और वगैरह वगैरह जो साजनते हैं सबको साथ लाइएगा, तो हो सकता है आपको स्टेज पे बुलाया जाए टू गिव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। तो हम लोग सब अपने साज वगैरह के साथ वहाँ पहुँचे और वो रिजल्ट्स आउट होने लगे कि सबसे पहले कॉन्सोलेशन, तो वो पाकिस्तान को मिला, सनम मारवी जी थी, उन्होंने गाया था। तो हम, सनम मारवी का नाम बड़ा है, तो हमने सोचा कि कॉन्सोलेशन इनको मिल रहा है तो पता नहीं, आई डोंट थिंक हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है। फिर सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फिर सेकेंड प्राइज विच वॉज शेयर्ड बाय मेनी कंट्रीज, दो मिली इनको, दो मिली दो कंट्रीज को, थर्ड प्राइज मिली। तो जब थर्ड सेकेंड फर्स्ट ये सब जब डिक्लेयर हो गए तो मैंने कहा आप तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो सबको कंग्रेचुलेट करो। और एकदम से आवाज स्टेज से आई कि एंड द ग्रैंड प्री अवार्ड गोज टू द सूफी टीम फ्रॉम इंडिया लेड बाय रश्मि अग्रवाल। एंड दैट मोमेंट वाज, आई थिंक आज तक उसको जब मैं सोचती हूँ रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या क्या माहौल था वो, कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि फर्स्ट के बाद भी ग्रैंड प्री अवार्ड भी होगा और वो इंडिया को मिलेगा और वो भी मुझे मिलेगा। तो मेरे लिए तो वो एक सपने जैसा अभी तक लगता है। तो बस और क्या मैं कहूँ बहुत ही खूबसूरत क्षण थे वो। असल में मेरे, मैं थोड़ा जब कलाकारों के साथ जुड़ता हूँ तो विशुद्ध रूप से लालची हो जाता हूँ, तो मुझे दरअसल आपसे सूफी सुनने की लालच आ रही थी, इसलिए मैंने कहा ये किस्सा भी सुन लेते हैं क्योंकि सब्सक्राइबर्स को पता भी चलेगा कि संगीत में भी ग्रैंड प्री होता है, और साथ ही साथ ये गुजारिश पीछे से आ जाएगी कि कुछ सूफी में सुनाइए। नहीं, सूफी भी सुनाऊंगी जरूर। बाबा भुले शाह का कलाम है, रांझा जोगिड़ा बनाया, वो सुनाती हूँ आपको। इस जोगी दी की नी निशानी, इस जोगी दी की नी निशानी, निशानी इस जोगी दी, इस जोगी दी, इस जोगी दी की नी निशानी, कनी मुंदरा गल विच गानी, ओ दी सूरत यूसुफ सानी, ओ दी सूरत यूसुफ सानी, उस अल्फों वहद बनाया बनाया बनाया, रांझा जोगिड़ा बनाया, रांझा जोगिड़ा बनाया, रांझा जोगिड़ा 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 बनाया, जोगिड़ा जोगिड़ा बनाया, वा सांगे सांग रचाया रचाया, जोगिड़ा बनाया रांझा, जोगिड़ा बनाया रांझा, जोगिड़ा बनाया। क्या मजेदार बातचीत हुई, और भजन सुना हमने, कजरी सुनी हमने, गजल भी हुई, सूफी भी हो गया। अब रश्मि जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुबह मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि आज शाम को मुझे रश्मि जी का इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कहा कि उनसे जरूर पूछिएगा, उन्होंने
मीरा कुमारी की शायरियों को भी चुना है और उस पर भी उन्होंने काम किया है, तो वो भी बताएं वो प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट के तहत आपने किया है या वो बस ऐसे ही रैंडमली आपने उसको चूज किया और फिर गाया? नहीं, रैंडमली तो नहीं, इसको इस सोच को करीब 8 से 10 साल लगे कार्यान्वित होने में, क्योंकि मैंने पहले एक शो किया था जिसमें मैंने मीना कुमारी की सिर्फ पोएट्री गाई थी, उनकी उर्दू में लिखी हुई गजलें गाई थी। फिर मैंने कहा कि ये कुछ अधूरा सा लग रहा है और इसमें उनकी कहानी, उनकी जिंदगी की जो बातें हैं वो ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाई हैं। सिर्फ उनकी, वो एक फिल्म स्टार थी, एक पोएट थी और कितनी सेंसिटिव थी, उनके साथ कितनी ट्रेजिडी जुड़ी हुई है, वो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहती थी। तो फिर उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि उसमें कहानी भी हो, गाने भी हों, उनकी फिल्म की भी बातें हों, उनकी फिल्म के गीत भी हों और उनकी लिखी हुई गजलें जो मैंने कंपोज करी थी वो पेश करी। तो वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, उसके कई रिपीट परफॉर्मेंसेस भी हुए, रेखता में भी उसको पेश किया गया था और ये उर्दू अकेडमी ने भी उसको अपने कनॉट प्लेस में जो करते हैं बड़ा सा फेस्टिवल, उसमें भी पेश किया था। तो वो भी बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट रहा था। मुझे लगता है कि I feel like a filmmaker, जैसे होता है ना कि एक फिल्म बना ली, अब दूसरी फिल्म एकदम उससे हटके थोड़ी होनी चाहिए, दूसरी तीसरी फिल्म कुछ उससे हटके होनी चाहिए, एक नयापन लेके आना चाहिए। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स कंसीव करती हूँ कुछ उसी विचारधारा के तहत होते हैं कि एक मीना कुमारी का हुआ जो कि बहुत ही ट्रेजिडी और उससे इन्फ्लुएंस था, उनकी जो गमगीन पोएट्री थी उससे प्रेरित था और उनकी फिल्म की जो बातें थी उससे था। और फिर मैंने एक गजल और जैज का भी एक फ्यूजन करके मैंने किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट्स करना, मतलब कुछ भी नया संगीत के ही उसमें सागर में से मोती बीच बीच में चुन चुन कर लाना और लोगों तक पहुंचाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया होना चाहिए। सिर्फ वही कि गजल गाली या सूफियाना गालिया या ठुमरी गाली, ठुमरी में भी मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे पहले, अभी तो मैं उतना ठुमरी नहीं गा रही हूँ, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मेरा गज़ल और सूफियाना में है, लेकिन पहले मैंने ठुमरी में भी किए थे जिसमें मैंने किया था मूड्स इन दादरा किया था। फिर ठुमरी के कई जो रस होते हैं तो उनको राधा की वाणी से जैसे निकलते हैं, क्योंकि ज्यादातर में तो श्रृंगार रस राधा की ही सो टू से राधा स्पीक होती हैं ठुमरियां अपने कृष्ण के लिए। तो उस तरह की भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। फिर एक जन्माष्टमी पे सिर्फ बाल कृष्ण 5 साल की उम्र तक के उनके जो भजन थे वो पेश किए थे। तो एवरी टाइम मुझे लगता है कि कुछ नया करना चाहिए संगीत के ही, उसी जो मुझे आता है उसी में से निकाल निकाल के चुन चुन के मोती सामने रखूं। आपका ये आपकी ये सोच और नया कुछ करने की चाहत हमेशा यूं ही बरकरार रहे। हमसे आपने बातचीत किया, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं कहीं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले और उसमें आपने कहा कि जब आप अपने घर से शादी के बाद निकलने लगी तो आपके पिताजी ने कहा कि तुम मेरे घर से संगीत लेकर जा रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो संगीत आप लेकर आई भी अगर तो वो जो आपने उसको फैलाया है पूरी दुनिया में और हम सब लोग के बीच, उसकी महक यूं ही बरकरार रहे, बस इतनी इसी दुआ है ऊपर वाले से। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी बधाई भी आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, और आपकी जो आपने ब्लेसिंग्स दी, जो गुड विशेस दी, उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। मुझे भी आप सबकी गुड विशेस की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली अब जो पैंडमिक समय है, लगता है मुझे कि दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। 2 साल हो गए हैं कोई ढंग का इस तरह से कोई प्रोग्राम किए हुए जो लाइव करते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, फॉर योर बेस्ट विशेस, एंड
आपको भी रागगिरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।